Bye.
अच्छी नहीं लगती घर वापस। अब तो मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? और जाऊंगी तुम्हारे साथ जाऊंगी। देख रहा मेरे पास मजबूरी है, मैं तुम्हें अपने साथ घर नहीं ले जा सकता। सावन आपसे मैं प्यार करना चाहती हूँ। हो तो भाई मानता हूँ आपकी बातें, लेकिन बात यह है कि हमारे चाचा जी तुम्हारे घर से कितना नाराज होकर के आए, वो भी तुम्हारे सामने देखा। और जब मैं तुम्हें अपने घर लेकर अपने साथ जाऊंगा, जब तुम्हें चाचा जी मेरे साथ में देखेंगे तो कितना नाराज होगा। वो कुछ भी हो जाए लेकिन सावन मैं आपके साथ ही चलूंगी और आपसे मोहब्बत करूंगी। नहीं मानू अगर ये बात तो ठीक है, आओ एक बार मेरे सीने से लगे हो। लेकिन एक बात और, कौन सी बात? वादा करो कहीं आज मोहब्बत करो कल मोहब्बत को ठुकराओगी। सावन ऐसी कोई बात नहीं है, प्यार करूंगी तो ताजदगी ले करूंगी, थोड़े दिन का प्यार नहीं करूंगी। आओ एक बार सीने से आई लव यू सावन, आई लव। सारी दुनिया प्यारी और दिल भी कितना प्यारा, ¡Gracias!
चाहता हूँ। देखो अब हमें भूलना नहीं। भूलेंगे कैसे? शामिल देखो आज मुझे जाने दो, मैं फिर आता हूँ। मेरा तो दिल नहीं कहता मैं तुम्हें छोड़कर चली जाओ। दादा मेरा भी जी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। छोड़ के ना जाओ पिया, छोड़ के ना जाओ पिया, और तुझको मैंने ये दिल दे दिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया। सजाते हैं इधर बेचारे पुष्पावती बैठी है, इन्हें का बेटा जिसका नाम हीरा था आज वो पढ़ लिख कर काफी बड़ा हो जाता है। और देखिए पुष्पावती बैठी बेचारी, उन्हीं का बेटा हीरा उनके पास आता है। और देखिए इधर सब कुछ चल गया, सब कुछ लुट गया, दुनिया दी मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे नहीं जाना थे, दुनिया की मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे नहीं जाना थे।
सब चेहरा दुखित रहता है, जिस बात को मैं बताना नहीं चाहती।
मजबूर करता हो। अगर आज तुझे अपनी कसम नहीं दिया है तो सुन, मैं क्यों दुखी रहती हूँ? हाँ माँ, आप किस लिए दुखित रहती है? लोग अपने बच्चे को देखते तो उन्हें खुशी होती है, लेकिन जब मैं तुझे देखती हूँ तो मुझे दुख होता है, दुख। माँ, ऐसी क्या बात है? जो माँ अपने बेटे को देखती है तो खुश होती है, लेकिन मुझ में ऐसी क्या कमी है माँ जो मुझे देखती है तो तुम्हें दुख हो जाता है? क्या कारण है? क्योंकि जब मैं तुझे देखती हूँ तो मुझे मेरे खोए हुए बेटे की याद आती है। क्या जितना बड़ा तू है उतना ही बड़ा अगर मेरा बहु बच्चा होता तो होता, लेकिन नहीं मालूम उस बाबी ने उन्हें मार डाला, उसे याद चिंता रखता है। अगर मेरी आंखों के सामने मार जाता तो मुझे संतोष हो जाता कि वो मर गया। ना था मेरा और कोई दूसरा भाई था क्या? हाँ, एक दिन की बात है, कालक सिंह डाकू मेरे यहाँ डाका डाला और जो भी मेरे घर में था सब लूट के ले गया, और साथ साथ तेरा छोटा भाई मेरी गोदी से छीन कर वो अपने साथ लेकर चला गया, और मेरी आंखों के सामने उसने तेरे बाप को गोली मार दिया। मैं कहीं कहीं देखती रही, कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं खुद। जिस बच्चे का मन था उसके मैश्वरी भगवान थे, आप दिल्ली निवासी, उनकी तरफ से इस सीन पर 10 रुपए का पुरस्कार है हमारे पास, जो भी धन्यवाद। इसलिए मैं जब तुझे देखती हूँ तो मुझे दुख होता है, तो सिर्फ इस बात का होता है कि अगर मेरा दूसरा बेटा होता तो इतना ही बड़ा होता है, बस और कोई बात नहीं। माँ, यानी मेरे भाई को वो काक सिंह डाकू उठाकर ले गया और मेरे पिताजी की जान कड़क सिंह डाकू ने लिया। हाँ, ना अब वो जिंदा नहीं रहेगा। मैं वादा करता हूं कि अपने भाई को ढूंढ कर मैं जरूर और वो कड़क सिंह कहीं भी मिलेगा उसे कुत्ते की मौत मारूंगा, उसका तो टेटुआ पकड़ के दबाऊंगा, गीदड़ की गर्दन मारी जाती। अगर वो कहीं मिल जाए तो उसे सिर्फ ये कहना, माँ बहुत याद करती है, बहुत। बस ठीक है माँ, इजाजत। आ जाओ। कड़क सिंह कहा जाएगा भाग कर, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कड़क सिंह मैं आ रहा हूं, और चंदा को ढूंढने Thank you.
अगर कहीं मेरा बच्चा छिनता हो तो उसे पिला देना। बस और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हेलो, अरे बड़े ठाकुर की ले को रखा ठाकुर की निकला गई थी कोई ठाकुर तुम्हारा मुंह अच्छा लगता है सरदार जी? कद्दू जैसे मुंह बना रखे सरदार जी। बोले बोलिए क्या होना चाहिए? चलो सरदार जी आराम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ दोस्तों, आप लोग सीन पर ध्यान दें, इधर देखिए सरदार जी बैठे हैं, इन्हीं की बेटी काजल आती है, देखिए क्या होता है क्या नहीं। कहाँ गिरी बुजुली तुम्हारी खबाड़ी? आओ वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, मैं सुबह ढलने से पहले
हिसाब से जाए तो खाली उचम न पा पर पा। अरे जवान जाई बिटिया है उल्टा सीधा के लगा मुंह में जातिन करो नहीं तो बड़े बड़े पेपर में छपी बड़े बड़े हेडलाइन में। अरे जानते नहीं हो किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? हमारी है। वो तो मालूम है। मान लियो कोहो के औकात नहीं है जो तुम्हारी बिटिया पर कड़ी निगाह करके देखा, लेकिन जैसे मान लिया बिटियो तुम्हारे ध्यान हो गया है, मान लिया तुम्हें बिटिया कहो पर देख टोल जाए तो बात तुम मतलब हाँ दोस्तों आप लोग सीन पर ध्यान दें। इधर देखिए ये तो जिनका नाम काजल था इन्हीं यानी सरदार जी की बेटी थी। आइएगा दोस्तों आप लोग सीन पर विशेष ध्यान। इधर देखिए जो बच्चा यानी पकड़ करके आए थे उठा करके, आज वो काफी सयाना हो जाता है जिसका नाम है मंगल। देखिए आते हैं क्या होता है। क्या रहे पहले
बेटा हमारा है। बात बार नहीं मतलब आप करना बताइए तो था चाहिए है पुलिस का पकड़ ले और पुलिस पे पकड़ा दे और तुम्हारा ना बताओ दिक्कत है तो हमारा ना तुम बता दे कि हम फूल चंद के लड़कान बेटा मंगल तुम जानते हो कि मानकाट सिंह के नाम से काफी मशहूर ये तो है और पुलिस हमारी तलाश करती है। अगर तुमने मेरा नाम बता दिया तो तुम गिरफ्तार हो सकते हो। ठीक है क्यों? उसके बाद हमको भी होना पड़ेगा। ठीक है पिताजी आप चिंता ना करें अगर कोई पूछेगा तो हम कुछ नहीं बताएंगे। बिल्कुल सही आप चलकर आराम करें। हाँ और जल्दी आना बहुत जल्दी। अरे इजाजत तो मिल गई फिर चलते पहले थोड़ी धोए लगा उसके बाद फिर से किया जाएगा। और कोई गोपाल वाली अरे मैं तुम्हारी बहन काजल हूँ अरे अपनी आंखों से देखो तुम्हारा